Rahul Gandhi is currently speaking in Gujarat towards the end of his day-long trip to the state. Let's see if he does touch upon Lalu Yadav and the decision by the court. 5-10% लोग ऐसे थे जिन्होंने चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मदद नहीं की, और मैं आपको यहां स्टेट से आश्वासन देना चाहता हूं कि उन लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी, और हम क्लियर मैसेज देंगे कि देखिए, आप कोई भी हो, कितने भी बड़े हो, अगर आप कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़े होगे, चुनाव में नहीं खड़े होगे, तो कांग्रेस पार्टी में आपका भविष्य नहीं बन सकता है। बहुत सारे लोगों ने पूरा दम लगा के काम किया है, वो सबको दिखा, उनको हम संगठन में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मगर जिन्होंने पूरा सपोर्ट नहीं किया है, प्यार से, गुस्से से नहीं, प्यार से हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। विधानसभा में इस बार सब होगा, आस्ते आस्ते सब होगा। विधानसभा में इस बार एक नई लीडरशिप तैयार हुई है। ये लीडरशिप अगले चुनाव में गुजरात की सरकार को चलाएगी। आप देख लेना, अगली सरकार यहां पे, जो बीजेपी के लोगों ने कहा था उनकी 150 सीटें आएंगी, मैं आपको यहां स्टेज से कह देता हूं 135 सीटें कांग्रेस की आएंगी। तो आपको जो हमारे एमएलएज बने हैं, आप एक प्रकार से हमारे एम्बेसडर हो, गुजरात आपको देख रही है।